देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते कि 100% ही सत्य है। ये एग्जिट पोल नहीं है। 2004 के अंदर भी ये लोग बीजेपी की सरकार बना रहे थे, उस समय भी बीजेपी सत्ता के अंदर नहीं आई थी, और पिछली बार भी चाणक्य को छोड़ दें तो शायद मेरे हिसाब से बाकी सर्वे ठीक नहीं थे, वो जरूर कुछ नज़दीक चाणक्य पहुंचा था। और इस बार जो पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए और बीजेपी के खिलाफ बहुत वोट पड़ा देश के अंदर, जो पहले चरण सेकेंड चरण का जो चुनाव था। उसके बाद ये लोग संभल गए और इन्होंने सरकारी मशीनरी का भी जम के दुरुपयोग किया, जहाँ ये कर सकते हैं धन बल बाहुबल एजेंसियों का दुरुपयोग ये सारा किया। और कुछ एग्जिट पोल चुनाव से पहले लोग इनको खुश करने के लिए भी इस तरह जो ये लोग हैं, ये तो कहीं भी ईडी सीबीआई भेज देते हैं इनके लिए, ये थोड़े एग्जिट पोल जो कर रहे हैं सर्वे उनके खिलाफ भी भेज देते हैं। और देखिए, सट्टा मार्केट जो चलता है देश के अंदर, उसको भी लोग मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ फलौदी का सट्टा बाजार, कई और सट्टा बाजार ऐसा कहते हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि कई बार होता है क्या कि कुछ चंद लोगों से आप बात करते हो, ये भी एग्जिट पोल जो निकालते हैं उसमें कुछ लोग ये अपने हिसाब से उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वोट दे के आते हैं, उससे बात ये करके फिर ये निकालते हैं। तो हो सकता है कई बार एक ही पार्टी के लोग हो सारे, जिनसे अलग अलग करें तो इनको दूसरा लगता है। राजस्थान की ले लो, राजस्थान में 25 लोकसभा, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, 15 सीटों पे फाइट है। ये तो दिखाई नहीं रहे जिस तरह बता, 15 सीटों पे फाइट है, और इंडिया अलायंस नागौर सहित कम से कम 10-12 सीटों पे कड़ी टक्कर दे रहा है। और 10, मेरा अनुमान ये है कि 8 से लेके और 13 सीटें इंडिया अलायंस राजस्थान के अंदर जीत रहा है। एग्जिट पोल हम भी तो बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं भाई, हम भी तो चुनाव लड़ रहे हैं लगातार कर रहे, हमें पता है कि एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सत्य नहीं है, और ऐसा नहीं माने। बहुत बड़ी बड़ा विरोध देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, जिस तरह किसानों के खिलाफ ये लोग रहे, अग्निवीर योजना लाए, चाहे पहलवान बेटियों का मामला था, चाहे दूसरे मामले थे, और सबसे बड़ा मामला कि ये जो अगल बगल के देश हैं, जहाँ एक उम्मीद जगी थी कि 2014 के अंदर जब मोदी आए तो जवान किसानों ने इनका साथ दिया, 19 में भी साथ दिया, एक तरफा साथ दिया, और एक उम्मीद ये थी कि शहादत कम होगी, लेकिन आज मिलिट्री के अंदर, पैरा मिलिट्री के अंदर हमेशा हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमेशा शहीद हो रहे हैं। तो कहाँ कंट्रोल कर पा रहे हैं, न तो देश के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं, न हमारी जो पड़ोसी ताकत चाइना है, पाकिस्तान है, चाहे जेएंडके का मुद्दा है, सारी सोल्व कहाँ कर पाए 10 साल के अंदर। 10 साल ही तो होता है और क्या होता है भाई, एक टर्म दे दिया, दूसरा टर्म दे दिया, जो महंगाई देश के अंदर बढ़ रही है। अब बताइए, जब इनको लगा पहले राम मंदिर की बात करते, तो राम जी को तो सारे लोग मानते हैं देश के अंदर, कौन नहीं मानता, सब राम राम करते हैं, हम गांव के लोग तो राम राम से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा कि राम जी हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं। और जब इनको लगा फर्स्ट सेकंड चरण में कि राम जी के नाम से वोट नहीं पड़ा, तो इन्होंने पैंतरा बदल लिया पूरा। और प्रधानमंत्री जी की किस तरह की लैंग्वेज आप देखिए, किस तरह वो बौखला गए कि गांधी को हम लाए, गांधी जी को हमने पॉपुलर किया, मतलब किस तरह, मतलब एक व्यक्ति वो कह रहा कि ये मोदी मोदी मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको बड़ा मोदी जी मानने लगे, ये उनकी बौखलाहट है। और निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन देश के अंदर होगा, इस बार जो एग्जिट पोल है वो सारे फेल होंगे देश के अंदर।